मानव को कुछ चीजें अपने आप से सीखनी चाहिए। हम आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार एक बार नहीं कहा, बार बार कहा है, भगवान श्री कृष्ण जब भी आते हैं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, चाहे राम बन के आए, परशुराम बन के आए, बामन बन के आए, नरसिंह बनकर आए, बारा बनकर आए, जो जो रूप उन्होंने धारण किए, उनका एकमात्र उद्देश्य है धर्म की, जोर से बोलो, धर्म की रक्षा स्थापना करना। यही हम कौन है, हम कौन है, हम उन्हीं भगवान की संतान है, तो हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, अपनी स्थापना करना। किसकी स्थापना करनी है? आज के हिंदुओं से मिलो, 99% सिर्फ अपनी स्थापना करने में लगे हैं, कोई धर्म की रक्षा नहीं कर रहा, 99%। हम लोग भी, मैं अपनी बात कर, हम जैसे लोग भी जब धर्म की बात करते हैं तो अपनी स्थापना में लगे रहते हैं, हम लोग अपनी खुद की स्थापना में लगे रहते हैं। करना क्या है? अहम बात है कि मैं धार्मिक बनूं, दिखूं नहीं। Nowadays इस प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग दिखना चाहते हैं धार्मिक, है नहीं, हम है नहीं, हम बनना भी नहीं चाहते, सिर्फ दिखना चाहते हैं कि जो मुझे देखे वो धार्मिक समझ ले। अंदर तो मैं जैसा हूं वैसा हूं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक काम करना है कि मुझे दिखना नहीं है, मुझे बनना है, मुझे धार्मिक बनना है, पहला काम। दूसरा, मुझे आने वाली पीढ़ी को भी धार्मिक बनाना है, दो काम करना। आप मत जाओ सुधारने समाज को, आप मत जाओ सुधारने मोहल्ले को, गली को, गांव को, शहर को, प्रदेश को, मत सुधारो, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुधारना है तो किसको? अपने आप को और अपने बच्चे को। आपके बाद भी मंदिर में दीपक जलता रहे आपके घर के। आज बहुत सारे घर ऐसे हैं, आज बहुत सारे घर ऐसे हैं माय डियर, जब ये चले जाएंगे ना, जो आज दीपक जलाते हैं उसके बाद घर में दीपक नहीं जलाया जाएगा, नहीं जलाया जाएगा, और उसके गुनहगार होंगे वो, जो दिखते तो थे धर्मात्मा पर थे नहीं धर्मात्मा। तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठे रहेंगे पर कोई दीपक आरती उतारने वाला नहीं बचेगा। बचेगा मतलब मनुष्य तो होंगे, कोई दीपक नहीं जलाएगा। क्यों? तुम्हारे बच्चों को तो फेथ ही नहीं है धर्म पर। एक माता जी आ जाई थी, बोले महाराज मेरे छोटे बेटे को भगवान में विश्वास नहीं। अब छोटा बच्चा वो कह रही है पर होगा वो 18-19 साल का, छोटा है नहीं, क्योंकि छोटे में ही सिखा दिया गया होता तो वो भी मानता, उसका बाप भी मानता। सिखाया कब जा रहा है? जब खुद ही हो गया 15-16 साल का, तब कहा जा रहा नहीं मंदिर जाकर और प्रणाम किया कर। बोले आई डोंट, पढ़ाया कहां? इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया क्या? कॉन्वेंट स्कूलों में। वो भगवान को मानेगा? दे आर सेइंग ऑलवेज आई डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट आर रिलीजियस बुक्स, वेदास, पुराणास, गीतास, रामायणास, दे डोंट नो एनीथिंग। सिंगल चौपाई दे डोंट नो, सिंगल श्लोका दे डोंट नो। मैं ये सब, हमारे एक बहुत प्यारे से बैठे हैं ये मैक्सिकन पीपल, ये बहुत अच्छे से, जिस दिन से इन्होंने कथा सुनी हर दिन मुझसे मिलने आ रहे हैं, इतना तो तुम भी नहीं आ रहे जितना ये बेचारा आ रहा है, और जो पूरी नहीं समझता, थोड़ी बहुत समझता है, और एवरीडे आता है, सुबह शाम आते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आर यू, डिड यू केम? जबकि मैं पहली बार मिला हूं इनसे, बिकॉज ही हैव इंटरेस्ट, ही वॉन्ट्स टू नो वॉट इज हिंदुरिज्म, वॉट इज हिंदू पुराना सेज, ही ट्राई टू नो बट वी डोंट ट्राई। हमें जानने की जरूरत ही, हमें क्या मतलब पड़ा, राम राम, हम तो खुद ही भगवान, तुम जीत जी रहे, वही हालत है।
वो वाली बात है, हमारे यहाँ कहावत से दो थी, हाथी के मुंह दांत दिखाने के कुछ और खाने के क्यों डॉक्टर साहब, यही हमारे समाज की दशा, इसी को बदलना है। और हम और आप एक एक करके ट्राई करेंगे तो बदल सकते हैं। मुझे समाज को नहीं बदलना, मुझे बदलना है। मुझे धार्मिक दिखना नहीं है, धार्मिक क्या करना है, मुझे धार्मिक बनना है। और अकेले नहीं बनना, परिवार नहीं सुधारना, सिर्फ अपने बच्चे सुधार दो, जैसे तुम्हारे बाद भी तुम्हारे बच्चे ओम जय जगदीश हरे करें, तुम्हें वो माता करें। और फिर कोई तुम्हारे घर में, तुम सच्चे सनातनी तब माने जाओगे जब तुम्हारे घर में कोई ये कहने वाला ना बचे कि आई डोंट बिलीव इन गॉड। एवरी वन योर फैमिली मेंबर्स सेज आई हैव बिलीव इन गॉड, तब तुम समझना कि तुम सच्चे धर्मात्मा हो, सच्चे सनातनी हो। अदरवाइज फेसबुक या तो बहुत डोल लें आजकल, यूट्यूब पे बहुत धर्मात्मा डोल लें, उनते न का उनको भलो वह हो ना हमारो वह हो, नुकसान हो रहेगा। वो नुकसान का आएगा हम तो पूछ लो नुकसान, जो चीज है ही नहीं पुराणों में वो परोस के रख देते वो लिए रहा। अब वो क्वेश्चन हमारे आगे आ जाता है। अभी एक और दो तो एक बातें हमारे सामने आई, तिलक लगा के अंग्रेजी गानों पे डांस कर रहे हैं हमारे बच्चे। अब तिलक लगा धार्मिक दिखना है, तिलक लगाना धार्मिक दिखना है, और जींस फाड़ के अंग्रेजी गानों पे नाचना है, तो क्या कहोगे उसको आप? ये अच्छा है, ये तो तिलक का भी अपमान कर दिया आपने। तो मैं जोश में ज्यादा तो नहीं कह गया आऊंगा शायद जहां तक, पर कहा तो धर्म के लिए, कहा तो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए, इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ है नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम बाबा जी हो जाओ मेरे संग चलो, और कहा है बस इतना सा कृपा करो धार्मिक दिखो नहीं, धार्मिक बनो, आप भी बनो और आपके बच्चों को बना दो। मैं गारंटी से कहता हूं जितना श्री ठाकुर जी को महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता कर मिला था, उतना ही श्री ठाकुर जी तुमको तुम्हारे घर के लोगों को धार्मिक बनाने के बाद जब जाओगे तो दे देंगे, उतना ही श्रेय दे देंगे ठाकुर जी तुमको। क्यों भाई, हम तो मनुष्य, हमारी पहुंच कम है, आप भगवान हैं, आपकी पहुंच एवरीवेयर है, तो आप बड़ा काम कर सकते हैं, हम छोटा कर सकते हैं। तो हम गिलहरी बने, हम सब अपने धर्म की रक्षा के लिए गिलहरी बने। और गिलहरी का काम क्या है कि हम अपने खुद धार्मिक बने और अपने बच्चों को धार्मिक बना जाएं, यही कृष्ण के अर्जुन बनने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।